उन्हें अचानक नारद जी दिखाई पड़े, तो बड़े प्रसन्न हो गए। नारद भैया से बढ़िया सत्संग करेंगे आज। तो जैसी पास में आए तो नारद जी की शकल पे 12 बज रहे थे। बहुत परेशान नारद जी भागे चले जा रहे थे। सनकादिकों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुख, नारद जी महाराज आप इतने दीन हीन परेशान से क्यों लग रहे हो, कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है, कुतस चिंता तुरो भवान। भगवत भक्त वैष्णव होकर के चिंता कर रहे हैं आप। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, चिंता कापि न कार्या निवेदत आत्म भी कदापीति। जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसे फिर अपनी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। भले ही कोई जंगल की ग्वालिनी हो, बनचरी हो, किंतु उसको यदि किसी सम्राट ने पसंद कर लिया और अपनी पटरानी बना लिया, और फिर वो चिंता करे कि हमारी गैया क्या खा रही होगी, कि हमारी भेड़ बकरी कौन चरा रहा होगा, या मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। अरे सम्राट की पत्नी बन के तुम्हें अपनी चिंता पड़ रही है। उसी प्रकार परमात्मा जगतपति के चरणों में अपने आप को समर्पित आपने कर दिया और जगतपति ने तुम्हारा पाणिग्रहण ग्रहण कर लिया, फिर भी आप अपनी चिंता कर रहे हो कि हमारा क्या होगा। चिंता करते हो इसका मतलब पति पर भरोसा नहीं। पतिव्रता का कर्तव्य है पति परायणा बन करके रहना, भक्ति में अव्यभिचार होना चाहिए, व्यभिचार ना हो। व्यभिचार माने अपने पति पर अविश्वास करके अन्य पति का, अन्य पुरुष का आश्रय लेना, यह भक्ति का व्यभिचार है। भक्ति अव्यभिचारिणी हो, एक भरोसो एक व्रत एक आस विश्वास। जिसको आपने इष्ट बनाया है उसके ऊपर पूरा भरोसा करो। तो पति पूरा ध्यान रखेगा। दिवाली के दिन यदि पतिदेव आपको हार नहीं खरीद पाए तो आप पड़ोसी सेठ जी के पास जाके कहो, सेठ जी एक हार आप ही भेंट कर दो, आप हमारे पड़ोसी हो, आप यहां तो हारों का बलिहार है, हार ही हार है। और सेठ जी आपको दे भी दिए मानो, तो क्या आपने अपने पति का अपमान नहीं किया। मांगना ही है तो पति से मांगो, ना दे तो संतोष करो, और पड़ोसी के यहां हाथ पसारने मत जाओ, नहीं तो तुम अपना नहीं अपने पति का अपमान करो। ऐसे ही अपने जिसको आपने इष्ट बनाया है जीवन में, अपना आराध्य जिसको माना है, उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, उसी में पूरा समर्पण होना चाहिए, उनकी अनुकूलता का ध्यान रखना चाहिए। आनुकूल्येन संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यति च विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के 6 सूत्र हैं। तो शरणागत को शरणागति ग्रहण करने के बाद आराध्य पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। पाताल भूतल व्योमश्चारण छद्मचारण न दृष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। त्रैलोक्य में वह प्राणी कहीं भी विचरण करे, यदि राम नाम का कृपा पात्र बन चुका है, राम नाम से अभिरक्षित है, तो त्रैलोक्य में किसकी सामर्थ्य है जो उस पर कुदृष्टि डाल सके। सम्राट की पत्नी बनने के बाद वो बाजार में मार्केट में कहीं भी घूमे, किस दुष्ट में दुस्साहस है जो महारानी की ओर कुदृष्टि से देख सके, सिर उठा के महारानी से आंख मिला सके। पर महारानी बन जाए तब, महारानी पतिपरायणा हो गए तब,
तो जैसे राजा की महारानी पर कोई दृष्टि डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता, उसी प्रकार उस जगतपति परमपति का आश्रय लेने के बाद वह जीव जब परमात्मा का बन जाता है तो किसी भी दुष्ट शक्ति में यह सामर्थ्य नहीं है जो उस पर कुदृष्टि डाल सके। न दृष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी, ये भरोसा होना चाहिए। तो सनकादिकों ने प्रश्न किया, कुतश चिंता तुरो भवान, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, हाँ तो पढ़े लिखे विद्वान भी हो, भगवान के भक्त भी हो, और फिर भी चिंता में घूम रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। नोचितम बद कारण। तब सनकादिकों के चरणों में प्रणाम करके नारद जी ने अपनी व्यथा सुनाई कि भैया आपकी तरह हम भी कथा प्रेमी हैं और सत्संग का आनंद भारत भूमि के अतिरिक्त कहीं सुलभ नहीं है, इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला, पर इस भारत वर्ष के सारे तीर्थों में मैंने घूम के देख लिया। कहां कहां घूमे? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदि सुतीर्थेषु भ्रममाणमितस्ततः। इन समग्र तीर्थों में मैंने परिभ्रमण करके देखा, चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। संतों के पास गया तो पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया। पाखंड का अर्थ क्या है? हमारे सदगुरुदेव भगवान पाखंड का अर्थ बता रहे थे, पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लगे वही पाखंड है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, भजन करना, तप करना, व्रत करना, ये सब पालन करने योग्य धर्म है, सदाचार है, पर आजकल लोग उसी का खंडन करने लगते। नहाने धोने से क्या होगा? अरे मन को साफ रखो, ये शरीर को धोने से कुछ नहीं होगा, ये माला फेरने से क्या होगा, ये राम राम करने से कुछ नहीं होने वाला, हृदय पवित्र होना चाहिए। अरे भाई होने वाला कैसे है? हृदय पवित्र तो होगा पर होगा कैसे? इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हर बात में प्रश्न। और लोगों को ऐसे ही लोग ज्यादा समझ में आते हैं, लोगों को आजकल ऐसे लोग अच्छे भी बहुत लगते हैं। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, कुछ भी खिला दो, कहीं भी खिला दो, कैसा भी खिला दो। और वो बाबा जी आए थे अयोध्या से, बड़े पाखंडी, इधर मत आना, उसको मत छूना, ऐसा इधर मत, हमारे वस्त्र से हाथ मत लगाना, हमारी रसोई में मत घुस जाना, बहुत प्रपंच पाखंडी दिखाते हैं। तो वास्तव में जो शौचाचार शास्त्र सम्मत है उसको तो हम आजकल पाखंड कहने लगे, और जहां कोई भी शौचाचार नहीं, कहीं आचार विचार नहीं, उसको हम कहते हैं ये महाराज जी बहुत अच्छे हैं, इनके यहां सब चलता है। तो आजकल ऐसे गुरु भी लोगों को पसंद आते हैं, ऐसे लोगों की बातें भी बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, कोई विधि निषेध का झंझट नहीं। याद रखिए, ये विधि विधान विधि निषेध जो शास्त्रों की लंबी चौड़ी श्रृंखला है, इस जंजीर में बंधना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? बंदर बड़ा चंचल होता है, बड़ा उत्पाती होता है, और उसको पालना है तो पहले जंजीर में बांध के ही रखना पड़ेगा। जंजीर थोड़ी लंबी होगी ताकि वो घूम फिर भी सके, परंतु कुछ उत्पात न कर सके, इसलिए लंबी जंजीर में बांध दिया। परंतु जब बंधते बंधते वो अभ्यस्त हो गया, सबको जानने समझने लगा, घर में रहने की उसमें पात्रता आ गई, समझदार हो गया, घुल मिल गया, तो फिर जंजीर खोल छोड़ दो। अब वही बंदर उत्पात नहीं करेगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हें काटेगा नहीं, क्योंकि अब वो तुम्हें पहचानने लगा और तुम्हारे बीच रहने का अभ्यासी बन गया, अब उससे खतरा नहीं है। परंतु पहले से ही तो उसे स्वतंत्र रखते तो परेशान हो जाते और उपद्रव करके परेशान कुछ भी कर सकता था। ये मनीराम जी भी बड़े चंचल है, इस चंचल मन को ठीक ठिकाने लगाने के लिए पहले शास्त्रों ने विधि निषेध की एक जंजीर बनाई। ब्रह्म मुहूर्त में जगो,
इतना मंत्र जाप करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे स्नान करो, ऐसे भोजन करो, ऐसा भोजन करो, हर चीज में विधि निषेध है। भोजन में भी विधि निषेध है, किसका भोजन करो किसका न करो, क्या खाने योग्य है क्या न खाने योग्य है, भोजन भी किस दिशा में मुंह करके करना चाहिए, पूर्वाभिमुख होकर के भोजन में बैठो, हर चीज में विधि निषेध। पर इस विधि निषेध में रहते रहते आप इतने अभ्यासी हो जाएंगे कि फिर आप विधि निषेध का ध्यान भी नहीं रखेंगे तब भी आप उसके विरुद्ध नहीं चल सकेंगे, स्वभाव बन जाएगा। पहले माला लेकर के आपको भजन करना पड़ेगा, मनी राम जी को माला पर केंद्रित करना पड़ेगा, पर जब खूब अच्छी तरह से भजन का अभ्यास बन जाएगा तो फिर माला न भी रहेगी तब भी भजन बनेगा, अजपा जाप होगा, मन में जाप चलेगा। परंतु जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं जिनका मन ही निरंतर भजन में संलग्न रहता है, यदि वो माला लेते हैं तो लोक शिक्षा के लिए, क्योंकि बड़े लोगों का छोटे लोग अनुसरण करते हैं, महाजनो ये नगता सपन था, महाराज संत सदगुरु को माला लेके देखेंगे तो हम भी माला लेके भजन करेंगे, तो हम लोगों की शिक्षा के लिए लेते हैं, भले ही उन्हें जरूरत नहीं। किसी ने दादूजी से कहा, दादूजी आप माला नहीं लेते, पहले तो आप बहुत भजन करते थे 24 घंटे, आजकल आपके हाथ में माला नजर नहीं आती, तो क्या मन में मानसिक जाप चलता है आपका? तो कहते हैं माला जपो न कर जपो, बहुत से लोग माला में नहीं जपते तो उंगलियों में करमाला कर लेते, माला जपो न कर जपो, जिहुवा जपो न राम। अरे तो फिर क्या जप करना छोड़ दिया, करते क्या हो? बोले सुमिरन मेरा हरि करे सुमह पावा विश्राम। अब भजन करते करते राम राम रटते रटते स्थिति ये हो गई कि राम जी मेरा भजन करने लगे, राम जी मेरा स्मरण करने लगे, तो सुमिरन मेरा हरि करें मैं पावा विश्राम, पहले हमने किया अब वो हमारा कर रहे हैं। जग जप राम राम जप जी, भक्त जब भगवान का सतत जप करता है तो फिर भगवान उसका स्मरण करने लगते हैं, ये स्थिति हो, प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है, प्रेमास्पद प्रेमी बन जाता है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये भजन की पराकाष्ठा है। इसलिए विधि निषेध बहुत आवश्यक है, हमें उसका पूरी तरह शास्त्र सम्मत आचरण करना चाहिए, शास्त्रों में जो लिखा है उसका पालन करना चाहिए। पहले ब्रह्मचारी बनाया जाता है तो शिखा सूत्र धारण कराया जाता है, शिखा सूत्र के नियम होते हैं, ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करे, ब्रह्म ग्रंथि आदि और यज्ञोपवीत की शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, कान पे चढ़ाओ, कब चढ़ाओ, कैसे चढ़ाओ आदि आदि, इन सबके विधान है। परंतु जब ब्रह्मचारी की अवस्था में रह करके हमने इतना विधि विधान से सब अग्निहोत्र और सब कर्म किए, वैदिक कर्म किए, कर्म करते करते का अब शास्त्र सम्मत अभ्यास इतना हो गया जीवन में कि अब शिखा सूत्र का त्याग करके हम सन्यासी बन जाएं तब भी धर्म विरुद्ध आचरण हमसे नहीं हो, क्योंकि अभ्यास हो गया। जैसे पहले मोबाइल जब नया नया आता है तो एक एक अक्षर हम देखते हैं, टाइप करते समय, मैसेज भेजते समय, आजकल की भाषा में ही दृष्टांत देने पर लोगों को जल्दी समझ में आएगा, तो एक एक चीज देख करके हम लोग मैसेज भेजते हैं उसी मोबाइल से, और जब बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है, अक्षरों का बोध हो जाता है, मोबाइल बहुत दिन तक रहते रहते खूब अच्छी तरह से मैसेज भेजने का अभ्यास हो गया, तो स्थिति ये आती है कि हम बिना मोबाइल देखे भी मैसेज भेजना चालू कर देते हैं, और बिल्कुल सही होता है। जिनको बहुत तगड़ा अभ्यास हो जाता है वो भले ही मोबाइल ना देखें, बिना देखे ही मैसेज कर सकते हैं, जो इसी में खूब अच्छी तरह रचे पचे होते हैं ना वो सब जानते हैं। बोलो राधे राधे। परंतु अभ्यास पहले किया तब बात बनी, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार चलने का अभ्यास करो ब्रह्मचर्य जीवन में, और जब अभ्यासी जीवन हो जाएगा तो फिर आप सन्यासी बन करके शिखा सूत्र को त्याग करके उससे ऊपर उठ गए
अब आपका आचरण ही ऐसा शास्त्र संबद्ध बन चुका है कि आप उसके विरुद्ध चल ही नहीं सकोगे, अशास्त्रीय कोई कर्म कर ही नहीं सकते। जिसने कभी भी जीवन में नॉनवेज से हाथ नहीं लगाया, मांसाहार नहीं किया और सदा सात्विक भाव में रहा, उसके सामने तुम रख दोगे तो खाना तो दूर रहा, वो देखने से नाक भौं सिकोड़ने लगेगा और उसका मन खराब होने लगेगा। अरे भाई हटाओ, सामने से हटाओ, वो देख नहीं सकता, खाने की तो कल्पना क्या। पर जिनको जो निरंतर खा रहे हैं वही वस्तु देख करके उनके मुंह में पानी आ रहा है, वो खाने के लिए जब विशेष फंक्शन होता है तो उसको उसी में उन लोगों को मूड बनता है, उसके बिना आनंद ही नहीं आता। तो मतलब क्या, वस्तु वही है परंतु पहले उसका निषेध करके मन बुद्धि से उसके प्रति एकदम वीतराग हो जाओ, और जब वीतराग हो जाओगे ईमानदारी से भीतर से, तो फिर तुम्हारे सामने वो आ भी जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप मन से मान चुके हैं कि ये घृणित है। और जब तक मन में अनुराग बैठा है तब तक आप विचलित कभी भी हो सकते हैं, उपलब्ध नहीं है इसलिए आप नहीं पाते, परंतु जिस दिन उपलब्ध हो गया और मन में उसके प्रति विरक्ति नहीं है तो आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत आचरण करो, शास्त्र के आचरण से ही आप अपने आप धर्ममय हो जाओगे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्रिया सभी धर्म परायण हो जाएगी। और फिर कभी धर्म विरुद्ध आचरण आपसे बन ही नहीं सकता। एक सीमा होती है जहां पर पत्थर फेंको या कोई भी वस्तु फेंको तो नीचे गिरती है, परंतु कोई इतने तगड़े ढंग से फेंक दी जाए कि वो गुरुत्वाकर्षण से ऊपर पहुंच जाए तो फिर चिंता नहीं, वो ऊपर ही उड़ती रहेगी, नीचे गिरेगी ही नहीं। ये क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से ऊपर चली गई। उसी प्रकार संसार के विषयों की पकड़ जब तक तुम्हारे चित्त में बनी है, आकर्षण बना रहा है, तब तक आपको आचरण धर्ममय विधिवत करते ही रहना चाहिए। और एक समय आएगा कि उससे अच्छी तरह विरक्ति हो जाएगी तो आप संन्यास धर्म में जाकर के फिर आप गलत आचरण कर ही नहीं सकते। तो प्रसंग पर आवे, सनकादिकों ने जब कहा चिंता का कारण क्या है तो नारद जी कारण बता रहे हैं, बोले हम सारे तीर्थों में गए, संतों के पास भी गए, पर पाखंड निरता संत, पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है उसी का नाम पाखंड। गृहस्थों के यहां भी गए तो देवी जी के दास नजर आए, माता पिता की अवज्ञा कर रहे हैं, देवी जी का पूरा चलावा चल रहा है, सलाहकार साले साहब, श्याल को बुद्धिदायक। तो गृहस्थों का भी आचरण विचित्र, विरक्तों का भी हाल यही। कलि दावान लेनाद्य साधनम भस्मतांगत, कलियुग रूपी दावाग्नि ने मानो आत्म कल्याण के सभी साधनों को आग लगा दी, भस्म प्राय हो गए सब। मैं बड़ा दुखी हो गया, नारद जी कहते मैंने सोचा आप किधर जाऊं, तो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, मैं यमुना तट पर सीधे वृंदावन धाम पहुंचा, और तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। वृंदावन में भी विचित्र आश्चर्य देखने को मिला, एक युवती दो बुड्ढों के बीच में बैठी रो रही। हमने उससे पूछा काशी तुम, देवी जी आप कौन है? तब रोती हुई देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति निति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर जरौ। मेरा नाम भक्ति देवी है, दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं,
समय की विचित्रता देखो, मैं जवान और बच्चे बुढ़े, मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों से परेशान होकर के भगी, पर जैसी वृंदावन में आई तो मैं तो एकदम नई नवेली बन गई, पर बच्चे दोनों बुढ़े हो गए। अब बच्चों की हालत देख करके रो रही हूं, यदि हालत ठीक नहीं भई इन बच्चों की तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, वृंदावन छोड़ के भी मैं विदेश भाग जाऊंगा। नारद जी तुरंत सावधान होकर के बोले, देवी जी बिल्कुल दुखी ना होइए, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं, यदि जन जन में मैंने इस लोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं कर दी तो मैं हरि का दास नहीं कह रहा। तदानाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। भक्ति मां को विविध भाग समझाया और शपथ पूर्वक जब वचन दिया तो भक्ति मां ने गदगद होकर के नारद जी की स्तुति की। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचन मेकम केवलम चातनै, वचन रचन मेकम केवलम चातनै, ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवो, ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवो, ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवो, ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो। आपकी जय हो, जय हो। आपने